नमस्कार मित्रांनो, मी राजेश माने, यूट्यूबच्या बातमी डॉट इन या न्यूज चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत। मित्रांनो, आता आपण खडकीच्या दर्गा वसाहत मध्ये आहोत। गेल्या 15 दिवसापूर्वी खडकी दर्गा वसाहत भागामध्ये 3 कोरोनाचे पेशंट आढळलेले होते। त्यापैकी एका व्यक्तीचा इतर त्यांना आजार असल्यामुळे त्यामध्ये त्यांचा मृत्यू झाला। मात्र 2 पेशंटवर खडकीच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू होते। आणि आज त्या दोन्ही पेशंटनी उपचार केल्यानंतर त्यांचे जे अहवाल आहेत, कोरोनाचे अहवाल निगेटिव्ह आल्यामुळे त्यांना आज उपचार घेतल्यानंतर घरी सोडण्यात आलेलं आहे। त्यामुळे दर्गा वसाहत हा जो परिसर आहे, आता ह्या भागात एकही कोरोनाचा पेशंट नाहीत। जे 2 पेशंट होते ते उपचार घेऊन घरी आलेले आहेत। कॅन्टोनमेंट बोर्ड प्रशासनाने हा भाग संपूर्ण सील केलेला होता। त्याचप्रमाणे नागरिकांनाही त्यांनी आवाहन केलेलं होतं की घरातनं बाहेर पडू नका, मास्कचा वापर करा। त्या सर्व पार्श्वभूमीवर या भागातील नागरिकांनी प्रशासनाला आणि या भागातील नगरसेवकांनी केलेल्या आवाहनाला जो प्रतिसाद दिला, त्यामुळं त्या 3 पेशंटनंतर दर्गा वसाहत भागामध्ये एकही पेशंट नवीन आढळलेला नाहीये। ही एक आनंदाची बातमी आपल्या सर्व खडकीकरांसाठी आहे। नागरिकांनी जर साथ प्रशासनाला दिली तर आपण या करोनावर नक्कीच मात करू शकतो आणि करोनाची लढाई जिंकू शकतो। मौजूद है और तमाम नगर सेवक और कैंटोनमेंट के खास करके कोरोना के जो मेन डॉक्टर है डॉक्टर भोसले सर और उनका पूरा टीम और कैंटोनमेंट हॉस्पिटल इज द बेस्ट। ऐसा ट्रीटमेंट आपको किधर मिलेगा नहीं। आपको टाइम पे खाना, टाइम पे चाय नाश्ता, ऐसा कमी महसूस क्यों नहीं हमारे को। और उसने बार बार भापला फोन, साहब का फोन, कैसा है क्या है। पहले दिन से हमारे को कुछ नहीं था, लेकिन हम एक सेफ्टी के लिए हमारे वैसे किसी को प्रॉब्लम ना हो तो सब अच्छा है। पहले दिन से हम लोग अच्छे हैं, अभी भी अच्छे हैं, कुछ भी नहीं है। जो भी कोर्स था वो हम कोर्स करके आ गए और सब बस्ती वालों का शुक्रिया। अभी का रिपोर्ट हमारे सबका नहीं दी है, सब अच्छे हैं। और सब दुआ करो, ये बस्ती पर बहुत बड़ी भला थी जो भला अल्लाह ने, ठीक है, ये बहुत एक आदमी नहीं है, इसमें हजारों आदमी लपेटे में जाते। मेरे सबसे ये दुआ है कि सब मेरे घर वालों के लिए दुआ करो और आलिम इस्लाम के लिए दुआ करो कि ये कोरोना से हमारे को लगा। और खास करके अभी हम लोग खुद भी मिलना जुलना कम करेंगे और आप लोग भी मिलना जुलना कम करो, क्योंकि सोशल डिस्टेंस का पालन करना बहुत ज़रूरी है और इस पर सब लोग ध्यान दो। अगर अपन सेफ है तो अपना घर सेफ। क्या जो हम लोग पूरा घर चेक करके आया, वैसा सबकी नौबत ना है, किसी की साथ दुश्मन की ना है, बस ठीक है। और सब फिर एक बार सबका धन्यवाद, शुक्रिया। मित्रांनो, अशाच प्रकारच्या बातम्या आणि अपडेट मी माझ्या यूट्यूब चॅनलवर देत राहणार आहे। आमचं बातमी डॉट इन हे न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा। धन्यवाद।